हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करना था। इससे पहले के टॉपिक्स हमने ये एग्जांपल 11.7 एंड रिएक्शंस ऑफ ईथर्स विथ हाइड्रोजन आयोडाइड को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ईथर एक केस में क्या होगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हम ये फिनॉल में भी ये रिएक्शन पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर ईथर केस में है तो ईथर में एग्जाम्पल दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा ईथर है ओ आर, इसके पास क्या है, लोन पेयर है ऑक्सीजन पर। लोन पेयर है इसका मतलब ये कौन सा, ये क्या होगा, ये होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये कहाँ मतलब जाकर लगने के लिए करेगा, इस पे रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर एंड पैरा पर। तो मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन कराई नाइट्रेटिंग मिक्सचर से और आपको इलेक्ट्रोफाइल जो है वो है NO2+। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो दो होंगे, एक ऑर्थोस ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड होगा NO2 एंड एक ईथर के पैरा पोजीशन पर होगा, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये हम हेलो एल्केन्स एंड एरिन्स में से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ये जो एनिसोल है, इसकी एनिसोल कॉमन नेम है। ठीक है, इसको आप IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। क्या होगा ये, मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो ये क्या है कि फिनॉल है और आप मान लीजिए कि Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 या फिर इथेनोइक एसिड जो आपको गिवन है, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, लुईस एसिड है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, ब्रोमीन प्लस ब्रोमोनियम आयन होता है। तो अब ये हमारा OH, सॉरी OH नहीं है, यहाँ पर ईथर है, एनिसोल था हमारा यहाँ पर, OCH3। तो यहाँ पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लेंगे, एक ऑर्थो पर लग जाएगा Br एंड जो सेकेंड होगा वो इसके पैरा पोजीशन पर लग जाएगा। ये थी हमारी रिएक्शन विद एरिसोल, बात समझ में आई। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बेसिकली बहुत ही छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसे मैं अगर चाहता तो नेग्लेक्ट कर सकता था, लेकिन फिर मैं सोचा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, फर्दर देखिए, एनिसोल है और फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, OCH3+CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, व्हाट यू गेट, यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिसोल। ये आपको क्या होगा, OCH3 और इसके पैरा पोजीशन क्या होगा, CH3, ये होगा आपका प्रोडक्ट। सिमिलरली ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन है। असाइलेशन का मतलब होता है यहाँ पर CH3CO इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ पर सिर्फ CH3 होता है। ठीक है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगता है और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ एक कार्बोनिल ग्रुप लगता है, CH3CO। ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये हमारी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, जिसे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन बोलते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ जिसमें रीअरेंजमेंट जहां होते हैं, रीअरेंजमेंट किसमें होते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में होते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन गिवेन है कि इथॉक्सी बेंजीन आपको गिवेन है,
मैं एनिसोल ना लेकर के इस बार एथॉक्सी बेंजीन ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3 CH2 CH CH3 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा, कि कौन सी रिएक्शन होगी, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोफाइल चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो CH3CH2 CH CH3 एंड Cl, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन AlCl3 से होती है तो AlCl3 क्या करता है, इस Cl को निकाल लेता है और जो होता है प्रोडक्ट आपका AlCl4 माइनस फॉर्म करता है और हमारा कार्बोकैटायन जनरेट होता है विच इज CH3CH2CH CH3 प्लस। अब आप मुझे बताएं कि क्या इसकी अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगी, हाँ या ना, सोच कर बोले। अगर हम इसकी रीअरेंजमेंट फर्दर कराएं तो बिफोर रीअरेंजिंग हम चेक कर लेते हैं कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने। अल्फा हाइड्रोजन अगर हम काउंट करें तो तीन, ये है अल्फा कार्बन और ये है अल्फा कार्बन, तो तीन यहाँ के हाइड्रोजन, दो यहाँ के, पांच अल्फा हाइड्रोजन है। आप मान लीजिए इस कार्बोकैटायन को यहाँ पर शिफ्ट करिए, तो आपको जब शिफ्टिंग होगी तो यहाँ की एक हाइड्रोजन यहाँ पर चली जाएगी और इस वाले पर आपको कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितने हुए, 3 N 2 5। एक बात बताइए, आपकी स्टेबिलिटी एग्जैक्टली सेम रही तो आप क्यों इतना मेहनत करके रीअरेंज करेंगे। आप मतलब आपका मतलब ये है कि कार्बोकैटायन जब पहले से ही अल्फा हाइड्रोजन 5 थे, आफ्टर रीअरेंजमेंट अगेन 5 हो गए, ठीक है, 5 के 5 ही रहे, तो ये रीअरेंजमेंट क्यों करेगा, कोई मीनिंग नहीं है। और ये रीअरेंजमेंट का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें यहाँ की, तो आप जब यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाए या यहाँ पर कार्बोकैटायन, बोथ आर आइडेंटिकल, ठीक है, तो कोई मीनिंग नहीं है इस रीअरेंजमेंट की, मतलब रीअरेंजमेंट हमारा नहीं होगा और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था विदाउट एनी रीअरेंजमेंट वही आपका जाकर बेंजीन में लग जाएगा। तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट विल बी दिस, कि इथॉक्सी बेंजीन आपका है OCH2CH3, ठीक है। इसके ऑर्थो पोजीशन पर आप क्या लगा दें, CH इससे CH3 हो और यहाँ पर CH2CH3, ये आपका ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बन जाएगा, प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा आपका पैरा सब्सटीट्यूटेड। तो यहाँ पर है आपका इथॉक्सी बेंजीन हो गया ये, और इसके पैरा पोजीशन पर CH CH3 CH2 एंड CH3। एक बात बताइए, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, इसको अगर हम कॉमन नेम बुलाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 ब्यूट है, ठीक है, मतलब ब्यूटेन है। और ये वाली कार्बन क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटेन। लेकिन अब ये क्या, एक हाइड्रोजन की कमी है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, जैसे आप टर्शियरी ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये इसीलिए मैं बता दिया ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो, ये हमारे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये समझ में आया, आइए एक और रिएक्शन मैं इसी के बेसिस पर कराता हूं। ठीक है, अब इस बार मान लीजिए हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएजेंट ले लेते हैं। रिएजेंट हमने ले लिया कि CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। मैं थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन कराने में क्या मीनिंग, रिपीट होगा, हम कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आपको प्रोडक्ट अगेन बनाना है। तो फाइनली फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम चेक करेंगे कि क्या इसकी रीअरेंजमेंट होगी, जो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन हम बना लेते हैं CH3CH
CH3 CH2 CH2 प्लस। ठीक है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं, क्योंकि यही एक अल्फा कार्बन है। इसलिए इसकी जब क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी तो 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। मतलब ये 1 था और ये 2 था। ठीक है, अल्फा कार्बन को हम 1 लेते हैं और कार्बोकोटाइन को 2। ये 1 से 2, 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो 1 से हमने 2 पर क्या किया, हाइड्राइड को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, सी एच प्लस आया और यहाँ पर सी एच थ्री आया। अब इन दिस केस अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये यहीं पर नहीं रुकेगा, ये अगेन शिफ्ट होगा। 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट, अगेन रीअरेंजमेंट होगी। एक बार फिर रीअरेंजमेंट हम कराते हैं। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, ये 1 है, ये 2 है। ठीक, तो सी एच थ्री सी सी एच थ्री ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सी एच टू एंड सी एच थ्री। अब जो अल्फा हाइड्रोजन हुए, यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन आया, अल्फा हाइड्रोजन हमारे कितने हुए, एक ये हमारा अल्फा कार्बन है, एक ये हमारा अल्फा कार्बन है, एंड एक ये हमारा अल्फा कार्बन, एक ये हमारा अल्फा कार्बन है। तीन अल्फा कार्बन, तीन कितने हैं, 3, 3, 6 और 2, 8। ये 8 हुआ। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हमारा जो बना, शिफ्ट करते करते यहाँ पर पहुंच गया। तो आपने सोचा क्या, आपको आपके हिसाब से ये वाली कार्बोकैटायन एक बार आप जब रीअरेंज करें तो ये वाली कार्बोकैटायन बने, आपने यहीं पर करा दिया। लेकिन नहीं, आप एक कदम और चल के देखें कि क्या ये फर्दर रीअरेंजमेंट के बाद एक और मतलब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। अगर बन सकता है तो वही बना है, फिर अगेन हम 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट करें। शिफ्टिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करें, शिफ्टिंग जो होती है वो हमेशा 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट ही होती है। ठीक है, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे ही हम उसकी शिफ्टिंग कराते हैं कार्बोकैटायन की। ऐसा नहीं होगा, 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट ही होगा। हम ऐसा केस नहीं लेंगे जिसमें कि 1.3 हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए गलत होगा। हम हमेशा एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्बोकैटायन बना वो क्या बना, टर्शियरी कार्बोकैटायन बना, टर्शियरी ग्रुप, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो यही आपको क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसकी अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो इसको इरेज कर देता हूं मैं इन सभी को। ठीक है, तो हमारा कार्बोकैटायन क्या बना था, हमारा कार्बोकैटायन आफ्टर फाइनली जो है, यहां पर हमारा प्लस चार्ज आ गया था, यहां पर सी एच थ्री, दिस इज सी एच टू, सी एच टू, सॉरी यहां पर सी एच थ्री हुआ। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब सिंस ये जो इथॉक्सी बेंजीन है, ये इथॉक्सी ग्रुप जो है क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। इसके पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो इसके ऑर्थो पर एंड पैरा पोजिशन पर ये वाले ग्रुप आप लगा दें। यहाँ पर क्या होगा, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू एंड सी एच थ्री। ये हमारा प्रोडक्ट होगा माइनर, क्योंकि ये बहुत बड़ा बल्की ग्रुप आ गया और इसके साथ क्या फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा और जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो सी एच टू सी एच थ्री, और इसके पैरा पोजिशन पर हमारी ये वाली ग्रुप लग जाएगी, सी सी एच थ्री एंड यहाँ पर सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री। ठीक है, ये हमारी ग्रुप हो जाएगी, ये हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस बात को आप ध्यान दें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया।
इसको आप VIP लिखे, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे लिए VIP का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, पीपल नहीं होता। वेल, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन थी। फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन में कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है, आपका जो प्रोडक्ट होता है एग्जैक्टली सेम होता है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना OCH3, आपने माना कि ये CH3 है, ये CH2 है, ये COCl है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। आपका कार्बोटाइन क्या बनेगा, CH3 CH2CO+, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, और यही जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। यहाँ पर OCH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना, प्लस आप इसको पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अपने से बनाए, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना इसके लिए। हाँ आई थिंक ऐसा ना हो कि आपके लिए ये भी अब बड़ी बात हो जाए, तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वेल, अब लास्ट जो है हमारा नाइट्रेशन है, ठीक है। नाइट्रेशन हमको पता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर से आप रिएक्शन करा दें तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्री बेंजीन प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। जिसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो है आपको सीधा सीधा लिखा है कि ये माइनर है, और जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड है वो हमारा मेजर है, ठीक। अब आइए एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट वाला, इसको डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त, ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 11.10 देखें तो राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy-3-methylpentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल, ठीक है, स्टार्टिंग विथ इथेनॉल एंड 3-methylpentane, 3-methylpentane प्लस, दिस इज नॉट पेंटेन, दिस इज पेंटेनॉल, ये कितना 1, 2, 3, 4, ये CH2OH होगा, और ये 3 पर क्या है, मिथाइल है, ये 1, 2, 3 यहां पर होगा मिथाइल CH3, ठीक है। यही तो है कि हमें क्या करना है, स्टार्टिंग करना है इथेनॉल से और फाइनली रिएक्शन किससे करनी है, 3-methylpentane-2-ol से, ठीक है। आपको दो एल्कोहल्स गिवेन है, आपको विलियमसन सिंथेसिस ऑफ इथॉक्सी 3-methylpentane का बनाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है। ये देखते हैं, तो आइए हम नेक्स्ट पेज पर इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक है आपको गिवन इथेनॉल CH3CH2OH प्लस, एक दूसरा जो है आपको 3-methylpentanol, वो है आपका CH2OH 1, 2, 3, 4, 5 और 3-methyl CH3, ठीक है। आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो आपको क्या है, प्रोडक्ट है हमारा 2-ethoxy-3-methylpentane, ठीक, 2-ethoxy-3-methylpentane। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इसे प्रोडक्ट हम देखते हैं कि क्या बनेगा। तो 2 पर हमारा क्या इथॉक्सी, थ्री पर क्या है हमारा मिथाइल है, दैट इज CH3। हमें ये प्रोडक्ट क्या करना है, बनाना है। अब बात आती है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो आई थिंक पेंटेन टू वॉल स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ बन गया, यहाँ पर आपका एल्कोहल होगा और यहाँ पर CH3 होगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर जब देखा इथॉक्सी जो भी स्ट्रक्चर बना, तो ये इथॉक्सी तो तभी आ सकता है यहाँ पर ना, जब यहाँ पर क्या हो एल्कोहल, ठीक है।
ये हमारा था बेसिकली 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल था, मैंने पेंटेनॉल बना दिया था गलती से। और आपको प्रोडक्ट जो दिख रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस काम क्या करना है, यूज करना है, आपको सीधा सीधा कहा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में जो हमारी हेलाइड होनी चाहिए वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्या होनी चाहिए, प्राइमरी हेलाइड होना चाहिए। ये बात आपको अच्छे से पता है कि प्राइमरी हेलाइड होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी हेलाइड किसका बन सकता है, सिर्फ इसी का बन सकता है, क्योंकि आप जब इसकी हेलाइड का कन्वर्जन कराएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, यहाँ पर 2 डिग्री हेलाइड बनेगा जो कि आपको क्या होगा, इन अप्रोप्रिएट होगा, जो सही नहीं होगा। तो आप एक काम करिए कि CH3CH2OH की रिएक्शन जब HBr से कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको बहुत अच्छे से ये रिएक्शन हमने बहुत बार की है, आपको CH3CH2Br-H2O होगा, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। ये कौन सी रिएक्शन है, SN2। SN2 में भी हमने इसको बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। ये हमें क्या मिले, अल्काइल हेलाइड मिल गया हमें, ठीक है, अल्काइल हेलाइड मिल गया प्लस। अब सेकेंड देखते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस के लिए हमें दो चीज होना चाहिए, एक प्राइमरी हेलाइड होना चाहिए और दूसरा सोडियम एल्कॉक्सी कंपाउंड होना चाहिए। सोडियम एल्कॉक्साइड कंपाउंड होना चाहिए, जैसे फिनोक्साइड होता था एल्कॉक्साइड, ठीक है। तो इस एल्कोहल की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, जब आप इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो ये क्या है, एल्कोहल एल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड में O-, Na+। ये सारी चीजें आपको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। आप हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा तो आपके नोट्स में ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि जो विलियमसन सिंथेसिस है उसके लिए हमारे प्राइमरी हेलाइड होना चाहिए, टर्शियरी हेलाइड और सेकेंडरी हेलाइड हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, रीजन भी आपको पता है, पढ़ा चुका हूँ मैं। और दूसरा आपको सोडियम एल्कोक्साइड कंपाउंड होना चाहिए, ठीक। तो हमें क्या मिला, हमें अब दो प्रोडक्ट हमें मिल गया जो डिजायर प्रोडक्ट जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, एल्कोक्साइड एंड एंड हमारा प्राइमरी हेलाइड, दोनों ही हमें मिल गए, ठीक है। तो मैं उनको बना देता हूँ फिर से, ठीक। आपने इस इथेनॉल से आपको क्या मिला, इथाइल ब्रोमाइड मिला ऑन द रिएक्शन ऑफ HBr, यू विल गेट CH3CH2Br, ठीक। आपने इस एल्कोहल की जब रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो आपको मिला एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, यहां पर O- होता है और ये Na+ होता है, ठीक। अब जब ये CH3CH2Br जो है आप इसको इस तरह से लिखें बॉन्डिंग करके, अब ये क्या होगा, O- का अटैक होगा, Br यहां पर निकल जाएगा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN2 होती है ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, एक ईथर मिलता है CH3CH3O, ये O तो आपका था ही और यहां पर क्या हुआ CH2CH3 लग गया, दीज आर द प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है सेम, यही प्रोडक्ट आपको चाहिए थे, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब CH3 यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3, आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आया तो आपको विलियमसन सिंथेसिस की कंडीशन याद होनी चाहिए कि आपकी जो हेलाइड होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा आपका एल्कोक्साइड होना चाहिए, ठीक। हेलाइड अगर आपका एल्कोहल है तो आपको प्राइमरी एल्कोहल जो है उसको आप हेलाइड में कन्वर्ट कर दें, ऑन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HBr से करा ले, HCl से करा ले, HI से करा ले, दिस इज योर चॉइस। एप्रोप्रिएट जो होता है वो HBr होता है, ठीक। फिर जो सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल जो है आपको गिवेन उसको आप एल्कोक्साइड में कन्वर्ट कर दें ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप रिएक्शन करा देंगे तो आपको एल्कोक्साइड कंपाउंड मिलेगा, सोडियम एल्कोक्साइड,
और फिर एल्कोक्साइड और हेलाइड के रिएक्शन से आपको करिस्पॉन्डिंग ईथर प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हो गया आपका क्या डिजायर प्रोडक्ट जो आप अभी बनाना चाहते थे, जो क्वेश्चन में गिवन था कि हमें ये बनाना है बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। समझ में आया होगा ये। अब सेकंड क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4-nitrobenzene। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट जो बनाने हैं उसकी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। ठीक है, तो 1-methoxy, ठीक है हमने मिथॉक्सी लगा लिया, वो CH3 को हम मिथॉक्सी बोलते हैं, और 4 पे क्या है नाइट्रोबेंजीन, 4 पर नाइट्रो की नाइट्रो ग्रुप है और जो हमारे पेरेंट है जो साइक्लिक कंपाउंड ये जो है वो बेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन हुआ। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से जो ये फर्स्ट और सेकेंड है इन दोनों में से हम कौन सा चूज करें कि हमें ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिले, एप्रोप्रिएट सेट मतलब बहुत ही अच्छा सेट, दोनों ही रिएक्टिव हो, कोई और दूसरा प्रोडक्ट ना बने, जो हम डिजायर प्रोडक्ट चाहते हैं वही बने। तब याद रखें कंडीशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, कंडीशन याद है आपको, कंडीशन क्या थी कि जो हैलाइड ग्रुप है दैट शुड बी प्राइमरी, ठीक है, एंड एल्कोक्साइड आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिनोक्साइड है, यहाँ पर क्या है सोडियम फिनोक्साइड है और पहला पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है। आप इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो O- क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर Br निकल जाएगा और आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये प्रोडक्ट तो बना, हमें ये पता है कि चलो ये सही है, अब हमें ये भी बताना है कि ये जो फर्स्ट हमारी जो करेक्ट चॉइस होगी वो क्या होगी, सेकेंड वाली होगी। आपको पहले आंसर आपको मिल जाए, ये होगा आपका करेक्ट चॉइस कि हैलाइड हो 1 डिग्री प्राइमरी और एल्कोक्साइड आपको जो चाहे वो ले ले, आप टर्शियरी ले ले, सेकेंडरी ले ले, फिनोक्साइड ले ले, कुछ भी ले ले। ठीक, अब बात आती है कि हम फर्स्ट वाला क्यों नहीं चूज कर सकते। फर्स्ट वाला हम चूज इसलिए नहीं कर सकते कि आपको पता है कि SN2 रिएक्शन होनी है और SN2 रिएक्शन है तो ये ब्रोमीन जो है यहाँ से निकलना है इसको। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पर क्या है बेंजीन के साथ इसके लोन पेयर जो है ब्रोमीन के रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा सिर्फ ब्रोमीन के साथ सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, इसके साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा जो कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या करेगा बढ़ा देगा। ठीक, और दूसरी बात ये जो हेलाइड है दिस इज नॉट प्राइमरी हेलाइड, दिस इज सेकेंडरी हेलाइड, तो आपको दो रीजन मिले, एक तो ये कि सेकेंडरी हेलाइड है जो कि इनअप्रोप्रिएट होता है। ठीक, एक आपको कंडीशन मिला कि ये सेकेंडरी हेलाइड है इसलिए हम यूज नहीं कर सकते, और दूसरा मिला कि इन दोनों को इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ये वाली रिएक्शन नहीं एप्रोप्रिएट होती है। ठीक है, आपको आंसर मिल गया, चलिए अच्छी बात, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, एक दो और रिएक्शंस बची हुई हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपने HI से रिएक्शन कराई है, यहां पर क्या है HBr है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या है मिथॉक्सी प्रोपेन है, ये क्या है आपका मिथॉक्सी प्रोपेन CH2O CH3। जब इसकी रिएक्शन हम HBr या HI से रिएक्शन कराते थे तो आपको मैंने कंडीशन 3 लिखवाई थी, एक जब दोनों साइड प्राइमरी हो, एक जब एक साइड सेकेंडरी हो, और मैंने जो तीसरा बताया था एक साइड टर्शरी हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब दोनों साइड प्राइमरी होंगे तो वो वाली ग्रुप एल्काइल ग्रुप बनाएगी, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड
बेसिकली हैलाइड जो स्मॉल होगा। ये सी एस थ्री क्या है? स्मॉल है, ठीक है। तो ये आपका क्या बनाएगा? सी एस थ्री बी आर बनाएगा, प्लस जो बड़ी वाली ग्रुप है वो एल्कोहल बनाएगी, प्लस प्रोपेनॉल आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH2। याद है ना जो बताया था मैं आपको? ऑब्वियसली याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर याद नहीं है तो अपने नोट्स को, पेजेस को क्या करें, पीछे जाए, दो तीन पेज पीछे आपको अपना आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में क्या है कि इथॉक्सी बेंजीन आपको गिवेन है, ठीक है। ये ओ C2H5 इथॉक्सी बेंजीन आपको गिवेन है, HBr से अगेन आप रिएक्शन करा रहे हैं। अब अगेन आपको पता है कि इसके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के डबल लोन पेयर इस बेंजीन के साथ क्या करने होंगे, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में होंगे, रेजोनेंस कर रहे थे, ये डबल बॉन्ड करेक्टर है तो इसको बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो ये इस बॉन्ड को टूटता है। अब ये ओ माइनस है, ओ माइनस बनेगा तो यहाँ पर एच, जो एच बी आर का एच है यहाँ पर आकर लग जाएगा, तो फिनॉल आपको मिलेगा प्लस सी टू एच फाइव बी आर आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड का सोल्यूशन था। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड जो है नाइट्रेटिंग मिक्सचर से हम रिएक्शन करा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये क्या नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा ये इथॉक्सी बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा हमारा, NO2 प्लस, आपका प्रोडक्ट दो बनेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड, OC2H5। ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दें प्लस पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दें OC2H5, और ये पैरा पोजीशन पर आपका NO2 ग्रुप आ जाए। बात समझ में आ गई, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो लास्ट क्वेश्चन है वो में एक साइड टर्शियरी है एक साइड प्राइमरी है, ठीक है। आइए देखते हैं कि CH3 CH2 CH3 आपका ये क्या है, 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है एंड टर्शियरी है। इसकी रिएक्शन आप HI से कराते हैं। अब आपको पता है कि जो दो कंडीशन आपको बताई, तीसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताया थी फॉर रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HI, ठीक है। एक साइड मैंने बताया था कि टर्शियरी हो, एक साइड क्या हो, प्राइमरी हो, तो इन दैट केस ये बॉन्ड क्या होता है, टूटता है और इस साइड हमारा हैलाइड लगता है और इस साइड हमारा हाइड्रोजन लगता है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, टर्शियरी हैलाइड होता है। यहां पर क्या होगा, आयोडीन लग जाएगा प्लस यहां पर आपको इथेनॉल मिलेगा C2H5OH। बात समझ में आ गई। तो ये थी हमारी एल्कोहल फिनॉल ईथर चक्र की थ्योरी, ठीक है। वेल पिछले चैप्टर की तरह इस बार भी हम इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो गिवेन है उनको डिस्कशन करेंगे, जो भी कन्वर्जन हो, नेमिंग हो, जो भी हो, हम उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट आपका क्या काम है, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर समाप्त हो रहा है यहाँ से आपका अब काम स्टार्ट होता है कि आप सारी थ्योरी को फिर से रिपीट करें। फर्स्ट थिंग, जो चीज़ नहीं समझ में आए उसको आप पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो उसकी हम वीडियो, अगर हो सके तो वीडियो बता देंगे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। और फिर कन्फ्यूजन ना हो तो आप इन सारी चीज़ों को एक एक करके रिवाइज करें, जब फाइनली रिवीजन हो जाए आपका, जब फाइनली रिवीजन हो जाए तो आप एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को एक बार अपने से जरूर ट्राई करें। एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं इनको अपने से जरूर ट्राई करें। ये तो बेसिकली IUPSC नेमिंग के हैं क्वेश्चंस, तो इनमें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हाइड्रेशन ऑफ इथीन,
टू इथेनॉल, ये सारी चीजें तो आपको अच्छे से आती हैं। अगले वीडियो में हम इसी के सॉल्यूशन पार्ट बनाएंगे, जिसमें इसका मैं एक एक ठो प्रोडक्ट बनाऊंगा आपको, जो भी आपके होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। थ्योरी पार्ट मेरी तरफ से आपको खत्म होता है। अब आपका पूरा धर्म यही है कि आप इस पूरे चैप्टर को थ्रू आउट रिवाइज करें, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज सॉल्यूशन को खुद से एक्सरसाइज क्वेश्चंस को ट्राई करें। नहीं आया तो उसके लिए तो हम हैं ही, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।